जय श्री राधे जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल विलेज लाइफ में। तो आज की वीडियो की शुरुआत खेतों से हो रही है। तो इतना ज़्यादा घास काटना पड़ा है, पूरा टकरा का मैंने काट दिया। पर आज ना बच्चों को छुट्टी है, वो घास की ढुलाई कर रहे हैं। और मैंने ये रखा है बकरियों के लिए जूड़ी, तो एक बोरा ले जा रही हूँ मैं। आवाज़ भी आ रही है ऊपर से। तो एक बोरा ले जा रही हूँ मैं, बाकी बच्चे ले गए पूरा घास ढोकर। और ना जंगल नहीं छोड़ते आजकल, क्योंकि जंगल जाने वाला नहीं है कोई नहीं। तो मैं यहीं पर इनको जोड़ी ले आती हूँ, जब घास काटना देती हूँ तो एक दो बुड़ा इनको भी कर देती हूँ इधर भी। और जंगल में भी कुछ नहीं है, लोगों ने अपने अपने जो टाकरे वो घेर कर रखे हैं। जगह है ऊपर जहाँ चुगाने की जगह है, तो वहाँ भी ढेर सारे पशु जाते हैं। तो मैं इनको रखती हूँ घर पर ही, और थोड़ी बहुत जोड़ी यहीं पर दे देती हूँ कुछ दाने वगैरह। और शाम के टाइम ले जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से चला हुआ आजकल हमारा काम। तो चलो अब देखते हैं अगला पशुओं का क्या क्या काम रहते हैं। आज ना मौसम बिल्कुल साफ है और पसीने पसीना हो गए। तो चलो हुआ थोड़ी देर रेस्ट, घास का टोका कर लेते हैं पहले। तो मैंने ना टोका नहीं किया, मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं एक काम भूल गई थी सुबह से, जो नई गाय लाई है ना उसकी ताजी डिलीवरी हुई है। तो मेरे को बोला था भी गाय के लिए कुछ दाना वगैरह बना देना, और तो मैंने वो नहीं बनाया ना। मैं उसको बना लेती हूँ पहले, और उतने को दीदी आए घास काटने के लिए। जो मैं बताती हूँ कि हमारे जो पड़ोस में दीदी ना, वो आते हैं घास काटने के लिए। तो वो आए हैं, वो कर रहे हैं टोका। तो रोज रोज ना किसी को कैमरे में बताना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं मना करते, वो तो खुश होते हैं, पर अच्छा नहीं लगता ऐसे रोज रोज। तो वो कर रहे हैं टोका। तो उतने को ना मैंने पता क्या किया, सुबह खाना वगैरह बनाया और आग दबा दी। आग दबाते हैं मतलब जैसे ताजी आग नहीं करते ना, तो जब शाम को खाना बनाएंगे तो आग दबा देंगे। और सुबह भी जब खाना बनाते हैं ना, ये देखो ये तो इस तरह से आग दबा देते हैं। और जब भी जलानी हो ना तो इस तरह से गोईटू निकालते हैं, और तब जाकर फिर आग जला देते हैं। हमें डेग, ये है डेग, इसमें मैं दाला बना लेती हूँ गाय अपनी गाय के लिए। और टाइम हो गया है 11। तो आज ना बच्चों को भी छुट्टी है, बच्चों का भी थोड़ा सहारा है मुझे, तो वो भी हेल्प करवाएंगे मेरे साथ। तो अभी तो घास की ढुलाई की ना उन्होंने, तो थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम वो भी करेंगे, मैं भी करूँगी, और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलो, तो पहले मैं उस गाय के लिए ना खाने को बना लेती हूँ, नहीं तो पक्का बारी आ जाएगी फिर। रहेंगे देखना, बिंदी के बिना ना माथा सुनना सुनना जैसा लगता है। तो अब ना पुरंदी भी नहीं लगाएंगे हम, अब ऐसे रहेंगे बाल। अब 10 दिन तक तो पुरंदी भी नहीं लगेगी। तो ऐसे ना उलझ जाते हैं बिना पुरंदी के बाल पे, मेरे तो बहुत उलझते हैं। लंबे भी नहीं है ज्यादा ना, पर उलझ जाते हैं बिना पुरंदी के अगर मैं ऐसे रखूं तो। चलो अब 10 दिन तक तो देखना पड़ेगा, 10 दिन तक नहीं लगा सकते ना पुरंदी और ना बिंदी बिंदी वगैरह। तो आज बुधवार है ना, आज मैं बाल कर लूंगी अपने साफ। और फिर मांग में भी नहीं लगाते सिंदूर, हमारे तो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो पति देव जी के ना रियल बुआ जी थे। बहुत जल्दी जलती है इसे आग। तो अभी मैं जो है ना इस तरह की लकड़ी लगा लूंगी छोटी छोटी, ऐसे करके ऐसे करके। ये देखो जो मैंने गोईठू वगैरह लगाया था ना, तो आग अपने 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 आप ही जलकर तैयार हो गई है, और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। आग जलाने में बड़ी एक्सपर्ट हूँ। जब भी बेटी खाना बनाती है ना तो मुझे बुला लेती है पहले कि मम्मी पहले आग जला लो आप। इसके लिए ना लकड़ी वगैरह सुखा कर रखनी पड़ती है, और पहले से इंतजाम। तो इसमें मैंने डाल दिया है डालडा, और ये है दर्ण। तो इसमें चने की दलुआ, चने और मक्की और गेहूं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। और पानी डालने के बाद इसको हल्का सा मिला लूंगी इस तरह से, जितने में डालने में उबाल आएगा उतने में इनकी गुठली निकाल लेती हूँ। ये छुआरे हैं, इनको भी डालना है मुझे, थोड़े से कमजोर भी है और ताजा डिलीवरी भी हुई है इसकी, तो मैं थोड़े से इससे निकाल लेती हूँ कुंडी के डंडे से इस तरह से। और
ऐसे करके निकाल लूंगी मैं इस तरह से, ये सबको निकाल लूंगी और फिर मुझे इसी डेग में डालने हैं। तो ये गुटलियां मैंने निकाल ली है और ये हो गए हैं मेरा जो छुआरे, तो इनको मैं डाल देती हूँ इसमें, और इसमें भी मैं बीच बीच में ना छेड़ा लगाती रही। ये देखो तो ये इस तरह का हो गया, और मैं अब इनको इसी में डाल दूँगी इस तरह से, जो पशुओं की खंड होती है ना वो डालेंगे अब बाद में हम इसको इसमें। तो इस तरह से मैं लकड़ियाँ थोड़ी सी आगे कर दूँगी, तो बीच बीच में ना मुझे यहाँ भी आना पड़ेगा फिर इनको छेड़ा देने के लिए। तो पशुओं का नहाना धोना भी हो गया है और बकरियाँ भी कर दी है मैंने अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई थी इनको, तो ना धोकर मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ। और पशुओं का काम तकरीबन हो गया है, अब अंदर बांधने को बच गए हैं अभी, तो यहाँ छाया है, तिरपाल लगाया है ना घास पे। अब मैं खुद ना धोकर और खाना खाने के बाद फिर जाकर इन पशुओं को करूँगी मैं अंदर। तो अभी तो एक जो बड़े वाली कटोरी है, तो एक कटोरी मैं सौंफ की डाल लूँगी इसमें इस तरह से, क्योंकि ये भी डालनी थी ना, तो क्या करूँ याद ही भूल जाती है, तो भाग कर जाना पड़ता है पशुओं के आंगन, पशुओं के आंगन से भाग कर आ चूल्हे के पास। देखो तो मैंने ना मक्की भी भून दी एक, बहुत ज़्यादा अंगार हुए थे ना, ग्रावड़े बोलते हैं हम अपने गांव की भाषा में, तो जो ग्रावड़े पर मक्की भूजती है ना बहुत टेस्टी होती है सच में। तो मैं मिला लेती हूँ इसको और फिर इसमें बाद में हम डालेंगे पशुओं वाली खंड। तो अभी मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ क्योंकि बहुत काम रह जाते हैं बीच में ना, वो भी करने होते हैं, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना भूल गई थी। फिर आप बोलेंगे भाई आधा आधा अधूरा काम बताती है, तो चलो मैं इसमें इसको मिला लेती हूँ। सुबह होता है ना तो उसके लिए ये डाला बहुत ज़रूरी है, इससे तो उसकी कमजोरी भी पूरी हो जाएगी और दूध भी बराबर मात्रा में आ जाएगा और देखने में भी इष्ट पुष्ट लगेगा, मोटा तगड़ा। तो वो वाली गाय ना तारा मीरा भी नहीं खाती ऐसे, तो इसमें तारा मीरा डाल देंगे, ठंडा है, और अब देंगे खाने के लिए। तो ना धोकर मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और इस वीडियो का भी करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।